Today we are going to discuss about development of Drosophila, right? Drosophila के विषय में आप लोगों को पढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा ये diagrammatic इसके थ्रू जाइए और इसमें बहुत सारी चीजों को और रखा गया है जो आपको जानना चाहिए, right? So see here. What is happening? Fertilization, cleavage, gastrulation, hatching, then formation of first larva, second star larva, third star larva, and then formation of pupa, and then process of metamorphosis, adult fly. Right? So, अपने प्रारंभिक स्तर Drosophila पर रिसर्च किए, right? तो उनको कहीं सब Drosophila ग्लैंड यहां डेवलप करी, उन्होंने किया है, राइट? और Drosophila ग्लैंड यहां डेवलप हो जाए तो बढ़िया बात है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग जो लोग उनके साथ काम करोगे कहना कि सर प्लीज Drosophila ग्लैंड डेवलप करिए, ठीक है? तो शायद कहीं डेवलप हो। उन्होंने वो जिनके साथ काम किया वो Drosophila ग्लैंड था, Drosophila. For up to 2 weeks without remating. Mature oocytes are fertilized in the uterus by release of a sperm from the storage organ and entering one at a time through micropyle. Micropyles prevent prolispermy. A specification of axis occurs at this stage due to interaction of cytoplasmic material within single multinucleated cell. See here, after fertilization, there will be cleavage. One cell, four cells, then see here, syncytical condition, yes, and then blastula condition. See? So superficial cleavage at the cytoplasmic layer of the egg due to the heavy amount of centrally located here. After fertilization, 30 nuclear division occurs in 3 hours without cytoplasmic division, producing in embryo about 6,000 nuclei in a common cytoplasm. The nuclei migrate to the surface of embryo to form syncytical blastula. अब ये देखो इसी चीज को यहाँ पर एक है दो है कैसे तीन चार इस तरह से 13 डिवीजन होता है और 13 डिवीजन होने के बाद ये सिंथेटिकल ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, राइट? देखो इस कैसे किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में इसका डिवीजन हुआ है, तरह से क्लीवेज हुआ है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ जाकर होता है, राइट? और देखो क्लीवेज पता है क्लीवेज में साइज सेम होता है, मतलब ये जो एक का साइज था जब दो न्यूक्लियस था एक न्यूक्लियस था और यहाँ 6,000 न्यूक्लियस था दोनों का साइज लगभग सेम है, राइट? सी ये लेजर कन्फोकल माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर को दिखाया गया किस तरह से जो 14 स्टेजेज में जो है क्लीवेज होता हो रहा है। अब ये टाइम की दिशा देखिए, यह न्यूक्लियस था 30 मीटर स्पीड पर स्पर्म एंड एग न्यूक्लियस, सबसे यह न्यूक्लियर डिवीजन, यह आल्सो न्यूक्लियर डिवीजन पर फ्रॉम न्यूक्लियर माइग्रेट टू आर द पेरिफेरी, देन फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिकल ब्लास्टोडर्म एंड देन हियर सेलुलर ब्लास्टोडर्म एंड ये पूरा प्रोसेस जो है 3 घंटे में, राइट? अब ये सेलुलर ब्लास्टोडर्म में देखो यहां क्या होता है, सी हियर देयर इज एक सरफेस हियर माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल, सो यहां से सरफेस का क्लीवेज फॉर्म बनता है और माइक्रोट्यूब्यूल जो है यहां देखो माइक्रोट्यूबुल बनता है और देखो यहां कैसे जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, राइट? सेल फैरो बढ़ते चला गया सी हियर और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बढ़ते चला गया और फाइनली जो सी हियर कंपार्टमेंटलाइजेशन किया। सो मिड ब्लास्ट अब तुम्हारा क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है, मिड ब्लास्टुला कंडीशन में क्या है, आफ्टर 30 डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन स्लो डाउन
And the RNA transcription is enhanced, which is known as mid-blastular transition. Maternally provided mRNA are degraded and development is controlled by zygotic genome. Factors involved, DNA or cytoplasmic ratio increase karta hai, aur ek smog puchta hai, smog protein, RNA binding protein, describe maternal mRNA. Right? अब ये देखो फिर गैस्टुलेशन प्रोसेस में तो बस याद रखना गैस्टुलेशन में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मलेयर ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ देर आर मूवमेंट दैट इक्टोडर्म मेजोडर्म एंड इंडोडर्म एंड फाइव टाइप्स ऑफ मूवमेंट मैं बताया था याद है सो ये देखो ये यहाँ पर देखो वेंट्रल फॉलो हो रहा है ये इनवेजिनेट होता है वेंट्रल फॉलो से पहले बनता है और इस तरह से जो है इसका gastrulation होता है और different जगह पे इसका formation होता है और finally see here that head region that mandible magilla labium thorax T1 T2 T3 and abdomen 8 यानी 8 3 11 और 8 right ये जो है ना तो finally 200 फीना बनेगा और इसके बाद वॉक्स जीन का एक्टिविटी जरूरी है right अब यहाँ gastrulation का different लेयर कैसे जो है वन सिंगल इपिथेलियल लेयर और टिश्यू जो है कैसे जैसे मेजोडर्म मसल कौनसे टिश्यू बनाता है इंडोडर्म मिड गट फोर गट हाइंड गट इक्टोडर्म बनाता है इक्टोडर्म में नर्वस टिश्यू और एपिडर्मिस होता है तो ये देखो इंपॉर्टेंट की है द सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ जीन एस्टैब्लिश द बॉडी प्लान अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस अब देखो इसमें होगा क्या मैटर्नल जीन में जो है यहाँ पर आगे में देखो बाइकोइड प्रोटीन है राइट उसके बाद देखो बाइकोइड एमआरएनए है बाइकोइड प्रोटीन है लोकलाइज एमआरएनए एंड प्रोटीन ट्रांसलेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये मैटर्नल जीन का है राइट और ये जायगोटिक जीन है राइट तो जायगोटिक जीन में देखो गैप जीन है जो गैप क्रिएट करता है एग्जांपल है हंचबैक पियर रूल है जो पियर क्रिएट करता है जिसका एग्जांपल तुम्हारा फुसी तरह पूछा हुआ है इवन ड्रोसोफिला सो सबसे पहले क्या हुआ मैटर्नल जीन डेवलपमेंट होता है इसको तुम देखो मैं सी ये टेंपोरल सेगमेंट ये पारा सेगमेंट पैटर्न इन द सेगमेंट और सेगमेंट आइडेंटिटी राइट अब ये देखो थ्री क्लासेस ऑफ म्यूटेंट अफेक्ट द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड टर्मिनल डेवलपमेंट सी ये वाइल्ड टाइप का मतलब क्या हुआ जैसा नेचुरल कंडीशन में था और म्यूटेंट टाइप का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई जीन को जो है इधर उधर कर दिया गया है कुछ किया गया इधर अब देखो ये वाइल्ड टाइप एक फेट मैप क्या होगा सबसे आगे एक क्रोन होगा फिर हेड होगा फिर थेरक्स होगा एब्डोमेन होगा एंड चेस्ट होगा ये वाइल्ड टाइप का होता है वाइल्ड टाइप लार्वा का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है राइट राइट अब म्यूटेंट एग ये है ये म्यूटेंट एग है इसमें म्यूटेंट एग में बाइकोइड म्यूटेंट किया गया बाइकोइड म्यूटेंट करने के बाद देखोगे कि प्रॉब्लम कहां हुआ एंटीरियर ये जैसा है प्रॉब्लम है यानी बाइकोइड म्यूटेंट इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन एंटीरियर साइड ये देखो यहां पर मैनोइड म्यूटेंट है मैनोइड म्यूटेंट में ये जो पोस्टीरियर साइड का जो स्ट्रक्चर है यहां पोस्टीरियर साइड का जो स्ट्रक्चर है वहां यहां ये पोस्टीरियर साइड के स्ट्रक्चर से नहीं सो मैनोइड म्यूटेंट पोस्टीरियर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस स्ट्रक्चर को यहां देखो जैसे वहां नहीं म्यूटेंट में ऐसे हो जाता अब ये देखो टोर्सो म्यूटेंट तो टोर्सो म्यूटेंट में क्या होता है दोनों साइड में टर्मिनल गड़बड़ा गया राइट तो तुमको इस साइड से इतना दिमाग में याद रखना चाहिए बाइकोइड इज रिस्पांसिबल फॉर मैनोइड इज रिस्पांसिबल फॉर पोस्टीरियर साइड एंड टोर्सो इज रिस्पांसिबल फॉर टर्मिनल साइड ये याद रखना चाहिए राइट
देखो शुरू से चल रहे हैं, जब एक पोलराइजेशन ऑफ द बॉडी एक्सिस ड्यूरिंग ओजेनेसिस, सी हियर, ये तुम्हारा एक चेंबर था, ये वो साइड आगे जाके, ये देखो ये वो साइड बना राइट, उसको जो ये बाहर से घेरा हुआ दैट इज फोलिकुलर सेल, और ये जो सेल दिया हुआ दैट इज नर्व सेल. So it means that what? Each egg chamber, three types of cells. पहला ओसाइड विथ न्यूक्लियस, ये ओसाइड है जो आगे जाके डेवलपमेंट कराएगा. दूसरा कनेक्टेड विथ 15 नर्व सेल, ये 15 नर्व सेल जो जर्म लाइन बनाता है. एंड सराउंडेड बाई मोनोलेयर ऑफ अबाउट 1000 सोमैटिक फोलिकल सेल, ये देखो 1000 सोमैटिक फोलिकल सेल, राइट राइट. सो जेनेसिस के समय ही पोलराइजेशन डिसाइड हो रहा है. 15 नर्व सेल है, उसके बाद तुम्हारा फॉलिकल सेल है 1000, उसके बाद तुम्हारा ओसाइड्स है राइट विद न्यूक्लियस राइट. अब की इंडिपेंडेंट जेनेटिक पाथवे इंटरैक्ट टू फॉर्म एंटीरियर पोस्टर एक्सिस ऑफ ग्रोथ होता है. यहां देख मिड ओजेनेसिस, ओजेनेसिस मिड में जब था तब क्या हो रहा, यहां देखो सी हियर एंटीरियर साइड में ये बाइकोइड एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है मिटोजेनेसिस में. यहां पर देखो पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में देयर आर फॉर्मेशन ऑफ नैनो एमआरएनए इन नर्व सेल, स्टफिंग प्रोटीन भी है और ऑस्कर एमआरएनए भी है. ये मिटोजेनेसिस का कंडीशन है राइट. जब ओजेनेसिस कंप्लीट होता है राइट तो सी हियर पूरा का पूरा यहाँ बाइकोइड एमआरएनए आ गया है, पूरा का पूरा यहाँ नैनो एमआरएनए आ गया है. सी बाइकोइड एमआरएनए एंटीरियर साइड, नैनो एमआरएनए पोस्टीरियर साइड. जब सिंसिटिकल ब्लास्टोडर्म बनता है, सिंसिटिकल ब्लास्टोडर्म में बताया क्लीवेज के बाद सिंसिटिकल ब्लास्टोडर्म बनता है, तो उस समय के कंडीशन देखो कि बाइकोइड प्रोटीन जो है यहाँ एंटीरियर साइड में ग्रेडियंट के रूप में फैला हुआ है और इधर से जो है कॉडल प्रोटीन है राइट. इसमें देखो ये हंच बैक प्रोटीन है और नैनोज प्रोटीन है, ग्रेडियंट के रूप में फैला हुआ है. अब इसका ये तीनों कंडीशन याद रखना है कि मिडोजेनेसिस में, कंप्लीट ओजेनेसिस में और सिंथेटिकल ब्लास्टोडर्म में राइट. अब देखो इसका ग्राफ से क्या दिखाया हुआ है, ये सी हियर, ये उसी चीज को बता रहा है कि सेलुलर ब्लास्टोडर्म में क्या हो रहा है. सेलुलर ब्लास्टोडर्म जब बन जाता है तो यहाँ देखो हंच बैक प्रोटीन का ग्रेडियंट होता है और एंटीरियर गैप जीन हमारा यहाँ दिख रहा है राइट राइट. और पोस्टीरियर साइड में क्रिप्ट आरएनए और जायंट एमआरएनए दिख रहा है राइट. रीजनल स्पेसिफिकेशन के टाइम में जो है देखो यहाँ रीजनल स्पेसिफिकेशन जब हो जाता है तो सबसे पहले एक्ट्रोन बनेगा, हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा, एब्डोमेन बनेगा और टेलसन बनेगा. और यहां जो है दिखा रहा है ये वाइट टाइप की बात कर रहा है. अगर बाइकोइड डिफिशियंट है तो सीधे दोनों साइड टेलसन बन गया, एब्डोमेन हो गया, मतलब टेंसन टेंसन दोनों साइड बन गया और आगे का इंटीरियर साइड डिस्टर्ब हो गया. तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है वाइट टाइप का, दिमाग में रखना है. अच्छा पोस्टीरियर नैनोज में क्या होता है, अगर नैनोज डिफिशियंट है तो तुम्हारा एक्रोन, हेड, थोरेक्स, टेलसन क्या नहीं बना, एब्डोमेन नहीं बना. नैनोइड डिफिशियंस है तो एब्डोमेन यहां नहीं बना राइट. एंड पोस्टीरियर साइड में प्रॉब्लम हुआ, ये याद रखने वाला. अब ये होता कैसे वो बता रहा है. न्यूक्लियस, टर्मिनल फॉलिकल सेल्स, देयर आर कंटिन्यूअसली सेक्रेशन ऑफ गुरकिन प्रोटीन. गुरकिन प्रोटीन एक्ट ऑन द टर्मिनल फॉलिकल सेल्स. व्हाट इज हैपनिंग बाइकोइड एमआरएनए एसोसिएशन विद एक्सोट्रेलिया एंड डाइमिंग. यहां से जो है बाइकोइड एमआरएनए मूव करता है एंटीरियर साइड और पोस्टर एमआरएनए इन एसोसिएशन विद काइनेसिस. इसको याद रहे नहीं रहे कोई मतलब, बस तुमको ये याद है इसमें रखना है कि बाइकोइड एंटीरियर साइड में ज्यादा हो गया और नैनोज
पोस्टीरियर साइड में ज्यादा हो गया, नैरोड एमआरएनए इन एसोसिएशन विद ऑस्कर प्रोटीन पोस्टीरियर साइड में है और बाइकोइड एमआरएनए तुम्हारा एंटीरियर साइड में है, यही याद रखना है बाकी भूल जाओगे। और ये गोरिकल प्रोटीन न्यूक्लियस यहां पर है जो हेल्प करता है मूवमेंट में, राइट। ये देखो जेंट बाइकोइड प्रोटीन अर्ली डिसअपीयर बाइकोइड एमआरएनए इन द एंटीरियर ट्रिप ऑफ एम्ब्रियो 300 ml एक्सोप्टेनिया एंड स्वेलो प्रोटीन लीड बाइकोइड टू डाइनेम एटीपीए एंड फर्टिलाइजेशन दिस इज लॉन्गर फोर एंडलेट चैनल ट्रांसलेटेड। ग्रेडियंट देखो वाइल्ड टाइप में जो है ग्रेडियंट देखो बाइकोइड इस तरह से, मतलब इस साइड में कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट बाइकोइड प्रोटीन, वाइल्ड टाइप में देखो एंटीरियर साइड आगे अंदर जाता है ना मिडिल में, जबकि बाइकोइड म्यूटेंट में क्या है इसका कंसेंट्रेशन देखो कांस्टेंट, गेट इट। तो बाइकोइड म्यूटेंट जो है एंटीरियर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कई बार ये पूछता है सवाल पूछा है सीएसआईआर में एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किया गया है कि बाइकोइड एमआरएनए को थ्री कंडीशन में जो है इंजेक्ट किया गया। पहला कंडीशन देखो एड टू एंटीरियर एंड ऑफ म्यूटेंट, राइट, एड टू एंटीरियर एंड ऑफ म्यूटेंट, ये बाइकोइड म्यूटेंट है, एक बाइकोइड म्यूटेंट है एंटीरियर एंड ऑफ म्यूटेंट बीसीडी माइनस में बोला है ना, तो बाइकोइड म्यूटेंट है राइट, और बाइकोइड म्यूटेंट में एंटीरियर साइड में जो है तुमको बाइकोइड एमआरएनए डाल दिया गया, तो क्या देखोगे डेवलपमेंट इज नॉर्मल, मींस हियर एक्रॉन हेड थोरैक्स एब्डोमेन एंड टेलसन, बट इन सेकेंड कंडीशन दिस इज बाइकोइड एमआरएनए मतलब बाइकोइड म्यूटेंट बाइकोइड डिफिशियंट, इसमें मिडल में यहां डाल दिया गया, यहां डाला गया यहां, तो व्हाट इज हैपनिंग दैट यहां एक्रॉन की जगह पर यहां टेलसन डेवलप हो गया, यहां हेड की जगह पर जो है यहां जो है थोरैक्स डेवलप हो गया, हेड थोरैक्स एब्डोमेन टेलसन, सो ये दोनों साइड टेल टेल हो गया अगर बीच में डाल दिया गया बाइकोइड, तो बाइकोइड डिफिशियंट है राइट। तीसरा कंडीशन में क्या किया गया, ये वाइल्ड टाइप है और पोस्टीरियर में जो है बाइकोइड डाल दिया गया, एंटीरियर में बाइकोइड तो था ही, सो व्हाट इज हैपनिंग दैट बोथ हेड प्रेजेंटेड बोथ है एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड, सो इसको घुमा फिरा के खूब एक्सपेरिमेंट पूछता है सीएसआई और तुमको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बाइकोइड एमआरएनए का क्या काम, तो ये बनाना कोई कठिन नहीं है इफ यू हैव कॉन्सेप्ट, if you have no concept then there will be problem, so what I want to say that bicoid mRNA is responsible for anterior side formation, matlab ye usai mRNA hai early event embryo protein hai, yahan dekho bicoid mRNA anterior side mein hai aur dheere dheere posterior side ki taraf ghat jata hai, posterior mRNA घटा 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 आते हैं कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब बीच मिडिल पार्ट में जो है लगभग ये हो गया। अच्छा हंचबैक जो है एंटीरियर साइड में ज्यादा है यहाँ थोड़ा बड़ा फिर कम हो गया, और कॉडल जो है पोस्टीरियर साइड में ज्यादा यहाँ पे कम हो गया, तो तुमको ये याद रखना है कि एंटीरियर साइड के लिए बाइकोइड एंड हंच, पोस्टीरियर साइड के लिए कॉडल एंड नैनो। अब ये यहाँ देखो दिखाया है कैसे क्या कैसे काम करता है बाइकोइड एमआरएनए, ये कॉर्टेक्स ग्रोजन और स्टाफन प्रोटीन के प्रेजेंस में ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा बाइकोइड प्रोटीन बनाता है, जो कॉडल एमआरएनए कॉडल प्रोटीन बनता है, जो बाइकोइड एमआरएनए के प्रेजेंस में ये कॉडल एमआरएनए कॉडल प्रोटीन नहीं बना सकता है। क्लियर क्लियर और क्लियर, ये देखो यहां पोस्टीरियर साइड एंटीरियर साइड की कहानी में बताया, पोस्टीरियर साइड में नैनोज एमआरएनए ऑस्कर प्रोटीन के प्रेजेंस में नैनोज प्रोटीन बनाता है,
हंचबैक एमआरएनए हंचबैक प्रोटीन बनाता है, लेकिन अगर नैनोइड प्रोटीन हो और टिमिलो P55 हो तो ये हंचबैक एमआरएनए हंचबैक प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसी चीज को यहां देखो क्यों नहीं होगा वो बताया सी दैट हियर टिमिलो का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है टिमिलो है, ये हंचबैक एमआरएनए राइट, ये जो है एडिटाइलेशन हुआ पिमिलो पर, सो ट्रांसलेशन ऑफ हंचबैक एमआरएनए तो हंचबैक प्रोटीन दैट पोस्टीरियर प्रमोट्स एंटीरियर स्ट्रक्चर, क्लियर। यहां देखो क्या हो रहा है, अगर 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 ये नैनो जाके पिमिलो में अटैच हो जाए तो ये जो एडिटाइलेशन हो रहा था वो डी एडिटाइलेशन हो गया, और ड्यू टू दिस डीएनएलेशन नो ट्रांसलेशन ऑफ हंचबैक एमआरएनए, सो नो हंचबैक प्रोटीन अलाउड एब्डोमिनल फॉर्मेशन, क्लियर है। जब तुम लोग माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े हो सो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, डायग्राम देखते हो। अब उसी चीज को एंटीरियर पोर्शन ऑफ रिव्यू देखो, बाइकोइड एमआरएनए बाइकोइड प्रोटीन बनाता है, हंचबैक जीन जो है हंचबैक के बारे में बनाता है और आगे जाके हंचबैक प्रोटीन बनाता है, राइट। ये जाइगोट के केस में है, ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ रिव्यू जो है वो मैटरनल केस में है, राइट। अब देखो अब जो है बाइकोइड प्रोटीन जो है स्टिमुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हंचबैक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हंचबैक जीन को हंचबैक एमआरएनए बनाएगा, राइट। जबकि पोस्टीरियर साइड में देखो क्या होगा, नैनोड जो है इसको ये क्या करेगा रिप्रेस कर देता है, और रिप्रेस कर देगा तो हंचबैक प्रोटीन नहीं बनेगा, दैट इज व्हाई द रीजन हंचबैक जो है एंटीरियर साइड में होगा, क्लियर और नॉट क्लियर। सो रिप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थोरैसिक एंड हेड जीन। अब इसी चीज पे यहां देखो, ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंटेड फ्यूज टॉर्सो सिग्नलिंग, टॉर्सो सिग्नलिंग टॉर्सो लाइक सिग्नलिंग क्या है, तो ये देखो तुम्हारा पर टॉर्सो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेटिक डिस्टिंक्ट एंटीरियर पोस्टीरियर टॉर्सो सिग्नल दोनों साइड में एंटीरियर पोस्टीरियर सिग्नलिंग, मतलब टॉर्सो लाइक टॉर्सो मैप काइनेटिक कैस्केड टॉर्सो सिग्नल, तो तुमको बस इतना ही याद रखना है कि टॉर्सो जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में होता है, राइट, बीच में नहीं होता, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव रिप्रेशन, बीच वाले में एक्टिव रिप्रेशन के प्रेजेंस की वजह से टॉर्सो नहीं। मॉडल ऑफ ड्रोसोफिला एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्न फॉर्मेशन देखो, ये साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी जीन है, मैटरनल इफेक्ट जीन है, देन ये हंचबैक प्रोटीन ग्रेडिएंट बना, देन ये गैप जीन, गैप जीन, देन पेयर रूल जीन, पेयर बनाया, पेयर रूल के बाद सेलुलर ब्लास्टोडर्म, राइट, सेलुलर ब्लास्टोडर्म का मतलब क्या, एक्टिवेशन ऑफ हॉक्स जीन, राइट। तो तुमको होम्योटिक जीन एक्टिवेशन की वजह से ये बना, तो मतलब तुमको याद रखना है कि तुमको गैप जीन पेयर रूल जीन सेल ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन एंड देन होम्योटिक जीन, इसी सीक्वेंस में जीन एक्टिवेट होते हैं। गैप जीन का काम क्या है, गैप क्रिएट करना, पेयर रूल जीन का काम क्या है, पेयर क्रिएट करना, देन सेगमेंट पोलैरिटी जीन का क्या है, पोलैरिटी क्रिएट करना है कि एक सेगमेंट में एंटीरियर साइड कौन होगा, पोस्टीरियर साइड कौन होगा, डॉर्सल साइड कौन होगा, मैटरनल साइड, दैट इज सेगमेंट पोलैरिटी जीन। एंड देन होम्योटिक जीन क्या है, होम्योटिक जीन जो है तुमको करेक्ट ऑर्गन को और ऑर्गन फॉर्मेशन वाले जीन को एक्टिवेट करता है कि करेक्ट ऑर्गन करेक्ट प्लेस पर जो एक्टिवेट हो, राइट। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछता है कि क्रिपल ए तो बोलोगे गैप जीन्स, ये देखो ये पूछा हुआ, अगर पूछते हैं हेयरी तो पेयर रूल जीन्स दैट इज प्राइमरी, एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे ही साथ पूछा हुआ था CSIR, मुझे याद है मैं गलत करके आया था, खुशी तराजू, राइट, तो खुशी तराजू में पेयर रूल जीन सेकेंडरी है, राइट, पूछा था मैं गलत करके आया था इसलिए मुझे याद है, राइट। तो ये कभी कभी पूछ देता जीन को, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो एक बार देख लेना,
सब याद करने में हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाए, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो याद कर लेना चाहिए काम आ जाता है। ओके, अब तक मैं सेगमेंट पोलॉजी सारा के सारा दिन है, इंग्लैंड विंगलेस, विंगलेस भी एक बार पूछा हुआ है, मैं सुन रहा था कि विंगलेस पूछा हुआ है, विंगलेस जो है सेगमेंट पोलॉजी की, राइट। अब ये जो तुमको होम्योटिक जीन का कंसेप्ट उसमें बता रहा था कि होम्योटिक कॉम्प्लेक्स क्या है, मेड अप ऑफ टू एंटीलोपीडिया कॉम्प्लेक्स एंड वाइट फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स। एंटीलोपीडिया कॉम्प्लेक्स में ये सारा जीन है, लेबियल जीन है जो हम लिखाए थे उसमें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज लेबियल, दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज डिफॉर्म, सेक्स कॉम्प और एंटीलोपीडिया। सो ये देखो लेबियल जो है क्या बनाता है, लेबियल प्रोबोसिस एंड डिफॉर्म, ये क्या बनाता है, हेड डिवीजन बनाता है, राइट। याद है दिखाया हुआ है जो कलर के हिसाब से दिखाया, हेड डिवीजन बना रहा है। और सेक्स कम रिड्यूस क्या बनाता है, सेक्स कम रिड्यूस क्या बनाता है बोलो, दिस इज आल्सो हेड रिजन, हेड रिजन ये भी बनाता है। देखना ये एंटीलोपीडिया जो है थोरैक्स रीजन बनाता है, राइट। यू अल्ट्रावायलेट थोरैक्स, ये थोरैक्स 3 बनाता है, और एब्डोमेन ए एंड एब्डोमेन बी इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एब्डोमेन, तो याद रखना है। सो होम्योबॉक्स एंड होम्योलॉजी दैट इज होम्योडोमी। Homeotic gene of Drosophila include a 180 nucleotides long region that is common to all homeotic genes. This sequence within homeotic gene is called homeobox, right? Similar or same homeobox sequence have been discovered in other eukaryotes from hijacked to mammals. Thus, homeotic gene present a very good example of homology genes that control development. Here, see that. तुम लोगों में बता चुका हूँ कि UBX, ultrabiothorax, right? So here see that ये gene in Drosophila, ये thorax 1, thorax 2 and thorax 3, okay? In the second segment, gene are transcribed that produce large veins being, ये gene जो है transcribed second बता है, that is wing forming gene है, right? और ये transcribed होगा second segment में जो है wing formation होगा। थर्ड सेगमेंट में क्या होता है, थर्ड सेगमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्ट्राबायोथोरैक्स प्रोटीन, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता। सो इन द थर्ड सेगमेंट यूबीएक्स प्रोटीन इनहिबिट्स विंग जीन ट्रांसक्रिप्शन, और विंग जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाल्टर नॉट विंग इन द थर्ड सेगमेंट। ये को क्वेश्चन पूछता है, राइट। मैकेनिज्म इसमें बताया था तुम लोगों को, here a four wing fruit fly constructed by putting together three mutation in sex regulation of ultrabiothorax, agar ultrabiothorax gene ka mutate kar do to ye dekho halter ke jaisa wing ban jayega, and then there are formation of two pair of wings. So kabhi kabhi question mein puch sakta hu in what condition two pair wing will form in the Drosophila. So you will simply write one word, agar by the mutation of UBX, अगर एक्सप्लेनेशन पूछ दे अगर 5 नंबर में हो तो थोड़ा सा इलोबरेट कर देगा। तो तुमको ये दिमाग में बिल्कुल 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 होना चाहिए। अब देखो एंटीलोपीडिया म्यूटेशन, एंटीलोपीडिया क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट, अभी बताया एंटीलोपीडिया, इन केस ऑफ एंटीलोपीडिया म्यूटेशन लेग्स विल डेवलप इन प्लेस ऑफ एंटीना फ्रॉम हेड। यहां पर जो है एंटीना देखो लेग का डेवलपमेंट हो गया, राइट राइट। तो एंटीलोपीडिया जो है म्यूटेशन हुआ तो लेग, तो एंटीलोपीडिया क्या है, तुमको थोरैक्स है, राइट। एंटीलोपीडिया थोरैक्स है, लेग का डेवलपमेंट होता है उससे, राइट। लेकिन अगर एंटीलोपीडिया का म्यूटेशन कर दिया जाए तो वहां लेग डेवलप नहीं होगा, और नहीं होगा तो जाकर उसके सॉकेट में जो है लेग का डेवलप हो जाता है, एंटीना के सॉकेट में जो है लेग का, हेड में जो एंटीना के वहां के सॉकेट में जो है लेग का डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, सो बी वेरी केयरफुल एंड इसको तुमको ध्यान में रखना है। अब ये देखो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी तो मालूम हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी कैसे दिखाई देता है, बाय द बाइकोइड एंड मैनोइड के बाद, बाइकोइड एंटीरियर मैनोइड पोस्टीरियर। दूसरा पोलैरिटी होता है क्या, डोर्सल वेंट्रल। तो डोर्सल वेंट्रल एक बार याद रखना है, डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी जो है डिसाइड होता है तुमको तुमको डोर्सल प्रोटीन से, डोर्सल प्रोटीन, डोर्सल प्रोटीन जहां होगा वहां वेंट्रल साइड बनेगा। देखो ये एकदम जहां डोर्सल प्रोटीन होगा वहां वेंट्रल साइड बनेगा। अब इसको समझने की कोशिश करो, यहां समझाता हूं थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता हूं लेकिन समझाता हूं, समझने की कोशिश करो। यहां सी हियर न्यूक्लियस, राइट।
So there is a formation of what? Gurkun mRNA. Gurkun mRNA क्या करता है? PIP protein synthesis को inhibit कर देता है. PIP protein जो है के synthesis को inhibit कर दिया. So there are no formation of PIP protein here. See, inhibition of PIP protein. So there are no formation of PIP protein. Right? Just hold on. इसका जो नए वाला इसमें जो है ना दूसरे लिंक से दिया उस ट्रांसलेटेड गुरकुन इज रिसीव्ड इन टॉर्पीडो प्रोटीन. यहां देखो ये ट्रांसलेटेड गुरकुन है और ये टॉर्पीडो रिसेप्टर है. टॉर्पीडो रिसेप्टर है. टॉर्पीडो रिसेप्टर पर ये गुरकुन प्रोटीन आके अटैच हो जाता है. क्लियर? डॉर्सल साइड में ये गुरकुन mRNA गुरकुन प्रोटीन बनाएगा और ये तो यह है डॉर्सल साइड का सेल में जो रिसेप्टर है टॉर्पीडो रिसेप्टर. तो टॉर्पीडो रिसेप्टर पर जाके गुरकुन प्रोटीन जो है अटैच हो गया. अब ये टॉर्पीडो रिसेप्टर पर जब गुरकुन प्रोटीन अटैच हो गया देन व्हाट विल हैपन दैट टॉर्पीडो सिग्नल काउजेस फॉलिकल सेल टू डिफरेंशिएट टू डॉर्सल मॉर्फोलॉजी. पिप सेल इज इनवेडिंग डॉर्सल फॉलिकल. सो व्हाट विल हैपन दैट ये पिप प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा और ये यहां पर अटैच हो रहा है इसको डॉर्सल साइड बना देता है. इतना याद रखना है. राइट? अब यहां पर क्या हुआ वेंट्रल साइड. ये देखो ये वेंट्रल साइड को यहां बड़ा किया गया. वेंट्रल साइड को हम यहां बड़ा कर दिया गया. राइट? तो वेंट्रल साइड को क्या बता देयर इज नो सिग्नल वेंट्रल साइड बिकॉज यहां गुरकुन mRNA नहीं है. तो यहां पर पिप सिंथेसिस होता है बिकॉज टॉर्पीडो में तुम्हारा यहां पर गुरकुन प्रोटीन अटैच नहीं हुआ है. नहीं गुरकुन अटैच होने से पिप प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. राइट? पिप प्रोटीन जो है एक्स फैक्टर से अटैच होता है और वो एक्टिव हो जाता है. ये एक्स फैक्टर जीडी से को तोड़ता है. जीडी एक्टिव हुआ. स्नेक को तोड़ता है. स्नेक एक्टिव हुआ. ईस्टर को तोड़ता है. ईस्टर एक्टिव हुआ. स्पेजल को तोड़ता है. स्पेजल एक्टिव हुआ. ये स्पेजल आके टॉल रिसेप्टर पर अटैच हो गया और ये टॉल रिसेप्टर पर अटैच होकर ये डॉर्सल प्रोटीन जो है ना डॉर्सल प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है. राइट? इट मींस दैट देयर इज अ वेंट्रल साइड. So, dorsal ventral polarity कैसे decide होता है? गुरकिन और dorsal से. गुरकिन protein जिधर रहेगा उधर क्या बनेगा? Dorsal side. और तुम्हारा जहाँ dorsal protein रहेगा वहाँ क्या बनेगा? Ventral side. ये याद रखना है. तो दो चीजें तो हमने बताया तुम्हें याद रखना है. अभी दो polarity हमने बता दिया. Anterior posterior polarity in drosophila. That bicoid and anode mRNA. Then dorsal ventral polarity in drosophila. That is gurkin protein and dorsal protein. Must remember this. Okay? As gurkin या pip भी कह सकते हो. Right? तो इसको याद रखना. अब तीसरा polarity जो होता है वो left right polarity होता है. Left right polarity. तो left right polarity में जो है no rotation. देखो ये जीन है एबीडीबी 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 एबीडीबी. तो ये जो है लेफ्ट राइट को इसको पढ़ना. एबीडीबी डायरेक्ट अर्लीस्ट स्टेप पर ड्रोसोफिला लेफ्ट राइट एसिमेट्री स्टेप एस्टेब्लिशमेंट. एबीडी डायरेक्ट एंड डेक्स्टर ड्रिवन कोडिंग जीन मायो आईडी. राइट? एडीबीबी कंट्रोल टू अपोजिट डेक्स्टर असिस्टेड लेफ्ट राइट पाथवे एंड एबीडीबी एक्सेस लेफ्ट सिस्टिकल डेवलपमेंट ऑफ normally asymmetrical organ. So myoid and ABDB is responsible for the left right polarity. अब देखो यहाँ ये left right polarity ये तो left right axis formation involve the microfilament cytoskeleton mutation in myosin gene myo31 can reverse the left right asymmetry. अब देखो यहाँ ये क्या है? ये high blood का structure ऐसे है लेकिन myosin mutated कर दिया ऐसे हो गया. राइट? ऐसे हो गया. देखो मायोसिन म्यूटेट कर दिया तो ऐसे हो गया. देखो यहां से ये डॉर्सल साइड से ऐसे हो गया. राइट? एक दो तीन चार वाई टाइप है. ये वेंट्रल से देखा गया. मायोसिन म्यूटेट हो गया तो कैसे हुआ? एक दो तीन चार. सो पोलैरिटी चेंज हो गया कि नहीं हो गया? सो यू मस्ट रिमेंबर दैट कि तुम्हारा लेफ्ट राइट पोलैरिटी कैसे डिसाइड होता है? मायोआइड से मायोआइड. राइट? एडीबी जो एब्डोमेन जो है उससे. सो तुमको याद रखना है कि ड्रोसोफिला में पोलरिटी कैसे डिसाइड होता है. एंटेरियर पोस्टीरियर पोलरिटी कैसे? बाइकोइड एंड एनोड. द
तुमको लेफ्ट राइट प्रोटीन कैसे डिसाइड, ये इतना ही तुमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रोसोफिला के केस में। ये कई बार जो क्वेश्चन पूछता है दिमाग मत पूछता है और ये जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। सो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना है।